अब तो नंगे पांव चलते चलते इतनी दूर आ गए हैं, अब तो नंगे पांव चलते चलते इतनी दूर आ गए हैं कि याद ही नहीं कि जूते कहां उतारे थे। और 2007 का वो दिन आज भी मुझे याद है, जब पहली बार मैं उस कॉलेज में गया था तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जब आखिरी दिन मैं उस कॉलेज से बाहर निकलूंगा तो मेरे आंखों में आंसू। वो लोग जो मेरी जिंदगी के बहुत बड़े हिस्से थे, वो लोग जो मेरी जिंदगी के बहुत करीब थे, वो लोग जो मेरे बारे में सब कुछ जानते थे, आज कहाँ है मुझे खुद ही नहीं पता। लोगों की उंगलियां पकड़कर कब तक चलोगे, कब तक दूसरों का सहारा लोगे, कब तक दूसरों से सहायता मांगोगे। कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक वक्त आएगा कि आपको उंगलियां छोड़नी पड़ेगी। कभी ना कभी एक ऐसा वक्त आएगा कि आपसे लोग आपकी उंगलियां हटा देंगे और आपको अपना जो रास्ता है वो खुद बनाना पड़ेगा। लोग आपसे बोलेंगे कि सपने मत देखो, सपने देख करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, लेकिन आप बोलेंगे उन लोगों को कि मैं सपने देखूंगा और मैं उन सपनों को पूरा भी करूंगा। आज से करीब एक साल पहले जब मैंने YouTube पे एक वीडियो डाली तो मुझे मेरे चाहने वालों ने, मेरे शुभचिंतकों ने क्या बोला, तुम मत डालो, तुम अपना समय बर्बाद मत करो, अपने इस समय को किसी और चीज में लगाओ। पर आज देखो, आज मैंने अपने पीछे 1,00,000 से भी ज्यादा लोगों को खड़ा कर दिया। अब मैं चलूंगा नहीं, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं थकूंगा नहीं। ये वक्त है दौड़ लगाने का, ये वक्त है अपनी मंजिल को ढूंढने का। अगर रास्ते आसान हो ना तो रास्ते याद नहीं रहते, अगर रास्ते कठिन हो ना तो आपको वो रास्ते हमेशा याद आ जाते हैं। कठिन जिंदगी, कठिन रास्ते, कठिन समय आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। लोग बोलते हैं ना कि अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो कट ही जाता है, लेकिन बुरा वक्त जो आपको सिखाता है वो आपको जिंदगी में बहुत मजबूत बनाता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे वक्त देखे, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे वक्त देखे, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं थका नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं और सब लोगों से बात कर रहा हूँ जो बैठ करके देख रहे हैं कि क्या होगा, जो बैठ करके सोच रहे हैं कि मेरा भी समय आएगा। बॉस, फिल्मी दुनिया से बाहर निकलो, कदम बढ़ाओ, आपके पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं, भगवान ने आपको बहुत नवाजा है। आपको अपनी जिंदगी में काम खुद से करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए। Nobody will come to help you, but ये जिंदगी आपको बनानी है। आपको याद है ना कि जब आप पैदा हुए थे तो आप अकेले पैदा हुए थे, आपके साथ कोई नहीं था। बस ये बात याद रखना कि जब आप जाओगे तो आप अकेले ही जाओगे। आपकी जिंदगी दूसरों की जिंदगी से प्रभावित बिल्कुल हो, बट अपने आप को उस इंसान से कंपेयर मत करो। उसकी जिंदगी अलग है, आपकी जिंदगी अलग है। आप जो करेंगे वो आप करेंगे। आप सबसे पहले अपने आप को एक ऐसी हस्ती बनाओ, एक ऐसा इंसान बनाओ कि लोग बोले कि बॉस ये कुछ है। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, आप उठिए, आप खड़े होइए। मैं सोचता हूं कि अगर मैं रुक गया तो जो मेरे पीछे जो मैंने 1,00,000 लोग खड़े किए हैं उनका क्या होगा। अगर मैं अभी यहां से निकल गया, मैंने क्विट कर दिया, तो उन लोगों का क्या होगा जिनको मैं सिखाता हूं। जिंदगी में मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत कुछ गवाया, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, बट अभी आज के डेट में मुझे एक अंदर से एक अजीब सी डर होती है कि अगर मैंने अभी छोड़ दिया, मैं पीछे हट गया, तो जो मैंने पीछे जो मैंने सेना तैयार की है अपने, जो मैंने लोगों को तैयार किया, उनका क्या होगा, जो उनकी उम्मीदें मेरे से बंधी हुई है उनका क्या होगा। अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं चलूंगा और अब मैं बहुत ही पूरी रफ्तार से चलूंगा। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। शून्य से शुरू किया था मैंने अपनी जिंदगी, शून्य से आज देखिए 1,00,000 के ऊपर कर दिया। 10 साल इस इंडस्ट्री को दिया, इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ लिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं रुका नहीं। अब तो नंगे पांव चलते चलते इतनी दूर आ गए हैं, अब तो नंगे पांव चलते चलते इतनी दूर आ गए हैं कि याद ही नहीं कि जूते कहां उतारे थे। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ईच एंड एवरीबॉडी हु इज वॉचिंग दिस वीडियो। आपका जिंदगी अच्छा हो, बट खड़े होइए। जी हाँ, खड़े हो जाइए और चलिए, चलिए मत, दौड़िए, आपकी जिंदगी जरूर सफल होगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपके वीडियोस काफी हेल्पफुल थे और शुक्रिया सर, काफी कुछ सीखने को मिला। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीटिंग योर 100K सब्सक्राइबर्स। और सर, मैंने आपका चैनल इसलिए सब्सक्राइब करा है क्योंकि आपके चैनल पर हर समय रियल और ट्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू सर फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन सर, एंड होप यू गॉट योर सिल्वर प्ले बटन वेरी सून। Once again, congratulations, sir. Hello, sir. I subscribe your channel because you deliver genuine information in a very simple way for us to understand it better. And yes, I just love the way you deliver your information.
Congratulations sir for reaching 100k subscriber. I like your interview series. Hey there, I'm Vishal Roy. I've subscribed to the channel because you really share some good informations which are really helpful. And congratulations on getting 100k subscribers.